बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख करके मानो ये भरोसा दिलाया हो कि बस जंग अब खत्म हो जाएगी, और इस तस्वीर की चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के सामने दो टूक अपनी बात रखी, बिना लाग लपेट के उन्हें ये नसीहत भी दे डाली कि अब वक्त आ चुका है कि शांति के लिए बात की जाए। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया, कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा। रूस यूक्रेन के बीच ढाई साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचे, तब दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी के दौरे पर टिकी हुई थीं कि वो शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं, जेलेंस्की को क्या मैसेज देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो अब ग्लोबल हेडलाइन बन गया है। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी मांग कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। पीएम मोदी दो टूक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी कीव में जेलेंस्की के सामने बैठे तो बिना लाग लपेट उन्हें भी नसीहत दे डाली कि बिना समय गंवाए शांति की बात करें। रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। यूक्रेन पहुंचकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि इस युद्ध में भारत का झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ नहीं है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में ये बता दिया कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, उस पर न रूस का दबाव है न ही पश्चिमी देशों का। वैसे भी भारत लगातार रूस और यूक्रेन दोनों से ही शांति की अपील करता आ रहा है। ग्लोबल हेडलाइन सिर्फ पीएम मोदी का स्टेटमेंट ही नहीं बना, बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात की तस्वीरों और वीडियोस की भी बहुत चर्चा हुई। इस मुलाकात ने इंस्टाग्राम पर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेलेंस्की की ये पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट बन गई। मुलाकात के बाद दोनों नेता कीव के नेशनल मेमोरियल गए, जहां जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगी हैं। यहां दोनों नेताओं को भावुक होते देखा गया। यहां पीएम मोदी ने जंग में मारे गए बच्चों के मेमोरियल पर डॉल रखकर श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने जेलेंस्की को ऑफर दिया कि शांति की कोशिश में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इसके साथ ही दोनों देशों में कई समझौते भी हुए। दोनों देश एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में भी सहयोग पर समझौता हुआ। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए भारत की तरफ से मानवीय सहयोग पर भी MOU साइन हुआ। भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को दोबारा बनाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल टास्क टीम बनाई गई है। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया कि बदलते वक्त में भारत की विदेश नीति भी बदली है। अब भारत तटस्थ होकर दूर से दुनिया को युद्ध में बर्बाद होते नहीं देख सकता। भारत की बढ़ती ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और भूमिका दोनों बढ़ी है, लिहाजा वो वॉर जोन के हालात को शांति में बदलने में विश्वास रखता है।